वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। दिस इज हिमांशु राजवंशी और आज हम फिर आ गए हैं आप सभी के समक्ष लेकर एक और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल क्लास। ओके, जहां पर हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में। और आज का जो लेक्चर है, लेक्चर 5th, वो है एस्केलमेंथीज और एनिलिडा के बारे में। ओके, सो जल्दी से मुझे बताओ मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है। आर यू ऑल देयर एंड शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ। ओके, एम आई ऑडिबल टू यू? चलो, बहुत अच्छी बात है, मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है तो इसका मतलब हम क्लास शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले वेरी सॉरी, कुछ अपडेशन आ गया था विंडोज का, तो लास्ट क्लास जो थी उसका पीडीएफ डालने में थोड़ी सी डिले हो गई। एंड थैंक यू कुलदीप फॉर इन्फॉर्मिंग मी कि सर पीडीएफ नहीं आया है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर पीडीएफ अवेलेबल है, आई होप आपने देख लिया होगा। कल शाम मैंने पीडीएफ डाला है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज होपफुली कोई अपडेशन नहीं अभी तक दिख रहा है विंडोज की तरफ से, तो इस क्लास के बाद पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अगर जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, सॉरी ज्वाइन नहीं किया है, उनको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सभी प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ओके, और उसका लिंक जो हमारे चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, शैल वी बिगिन विद द क्लास? चलिए, सो हेडिंग डाल लो भाई एस्केलमेंथीज और एनिलिडा के बारे में और हम इसको देखना शुरू करते हैं। बेसिक्स जो वीडियो के हैं, जो इस चैप्टर का बेसिक्स है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में। तो आपने अगर कोई भी लेक्चर मिस किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है पूरी प्लेलिस्ट का, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो फाइलम एस्केलमेंथीज क्या है? ये जो एनिमल्स होते हैं ये एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक यानी वाटर में पाए जाएंगे, ठीक है, और ये टेरिस्ट्रियल हैं। टेरिस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड पर पाए जाने वाले एनिमल्स। ओके, ये फ्री फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, फ्रीली लिविंग हो सकते हैं, एंड दे कैन बी फाउंड इन द पैरासिटिक फॉर्म। पैरासिटिक फॉर्म की, अब पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक यानी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं विदाउट किलिंग देम। ओके, तो वो हो गए पैरासिटिक। बॉडी किस तरीके की है? बॉडी देखो सिलेंडर होती है एंड दीज आर वर्मी फॉर्म, कीड़े हैं ये, वॉर्म है, दीज आर वॉर्म्स, वर्मिन है, वॉर्म्स है। बॉडी अनसेगमेंटेड है, सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड नहीं है, फ्लैट होती है बॉडी, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है बट जनरली इट इज फ्लैट। ओके, सिमेट्री किस तरह की है? बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि एक ही रेडियस से इनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। एंड द बॉडी, द ऑर्गेनिजम्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्मिनल लेयर्स पाई जाती है, यानी जो आउटर लेयर है और एक मिडिल में जो लेयर है और एक इनर मोस्ट लेयर है। क्या कहते हैं इनको? आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहेंगे जल्दी बताओ? इसको कहेंगे एक्टोडर्म। इनर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं एंडोडर्म। और जो इन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में लेयर होती है उसको हम कहते हैं मीजोडर्म। जनरली ये लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको डेवलप करती है। इनर मोस्ट लेयर जो अंदर की तरफ ऑर्गन्स हैं उनको बनाएगी, ठीक है, उन ऑर्गन्स के ऊपर एक और लेयर है ऑर्गन्स की, ठीक है, टिश्यूज की, वो मेसोडर्म बनाएगी, और जो सबसे ऊपर लेयर है वो एक्टोडर्म बनाती है, ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, आई कैन सी हेतल पल्लवी, कुलदीप सिरवी हियर, कुलदीप चौधरी, हिमांशु बोराना, आदित्य सिंह एंड पल्लवी सांखला अगेन, एंड वीरेंद्र इज ऑल्सो देयर, वेरी गुड। बहुत कम आए हैं आज, मुझे लग रहा है बच्चे उठ नहीं रहे हैं सुबह को क्लास अटेंड करने के लिए, दैट इज, मैं इसका अकाउंट आई विल नोट दिस। ओके, अब ऑर्गन्स, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम, इनमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, यानी टिश्यूज ने और टिश्यूज ऑर्गेनाइज हो गए हैं स्पेसिफिक फंक्शन को एफिशिएंटली करने के लिए। तो एस्केलमेंथीज में हमें ऑर्गन सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है।
ओके, मसल कल्चर जो है, मसल क्लेचर, इट इंक्लूड्स लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, मसल्स लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स की फॉर्म में है। बॉडी कैविटी, इसमें सूडोसिलोम पाई जाती है। ठीक है, जब हमने जर्मिनल लेयर की बात करी थी तो जर्मिनल लेयर में हमने देखा जो तीन लेयर्स हैं, तो ये जो मीजोडर्म होती है ये पाउचेस की फॉर्म में अवेलेबल है। जब पाउचेस की फॉर्म में अवेलेबल होती है तो ये जो कैविटी इसके अंदर बन रही है इसको ही हम सूडोसिलोम कहते हैं, इसको सूडोसिलोम कहते हैं। तो इनके अंदर सूडोसिलोम पाई जाती है। ओके, आई बिलीव इट्स क्लियर टू यू। कमेंट, यस कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सूडोसिलोम पाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल, इनकी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी माउथ से स्टार्टिंग होती है और एनस में एंड होती है। जब आप जो ओपनिंग्स है फूड को एंटर करने के लिए और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए, अगर दो अलग ओपनिंग अवेलेबल है जिनको रेस्पेक्टिवली हम माउथ और एनस कहते हैं, तो ऐसी एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। ठीक है, इसमें स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स हैं। फेरिंग्स क्या रीजन है? फेरिंग्स वो रीजन है जो कॉमन पैसेज होता है जनरली, अगर ह्यूमन से कंपेयर कर लेना, फेरिंग्स स्पेशल पैसेज है जहां पर फूड और एयर का कॉमन पैसेज पाया जाता है, तो फेरिंग्स पाया जाएगा। ओके, दे आर स्ट्रेट नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन प्रेजेंट। ठीक है, और पोस्टीरियर एनस, पिछले भाग की तरफ एनस प्रेजेंट है, नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, और वो स्ट्रेट है, सीधी है, कॉइल्ड नहीं है, सीधी है। ओके, अब इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन इसमें बहुत प्रिमिटिव टाइप का हो रहा है, इसलिए इनमें सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम्स नहीं है, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसमें, ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड सेल्स। ठीक है, ग्लैंड सेल्स की फॉर्म में हो सकता है, कैनाल्स की फॉर्म में हो सकता है। ओके, और दोनों हो सकते हैं, जिनको हम कोलाका बोलेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है एस्केलमेंथीज के, उनमें दोनों पाए जाएंगे, ग्लैंड सेल्स और कैनाल्स, उनको कोलाका कहेंगे, विच इज प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिजम्स ऑफ एस्केलमेंथीज। ओके, इट कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लैंड सेल्स, इट कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कैनाल्स फॉर एक्सक्रीशन। नर्वस सिस्टम इसमें बिल्कुल प्रेजेंट होता है, इसमें नर्वस सिस्टम दिखने को मिलेगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कहां से नर्वस सिस्टम मिलना शुरू हुआ है, इफ यू नो, इफ यू रिमेंबर कि कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन से फाइलम से हमें नर्वस सिस्टम देखने को मिला था, प्लीज कमेंट में मुझे बताओ। ओके, तो नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया। ठीक है, और इट कैन बी सर्कमफेरिंजल रिंग की वजह तरह से हो सकता है, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स में डिवाइडेड रहता है। मोस्टली ये डायोशियस होते हैं। ठीक है, मेल्स जो होते हैं वो दे आर यूजुअली स्मॉलर देन द फीमेल। डायोशियस का मतलब है कि इन मेल और फीमेल बॉडी इंडिविजुअल होती है, अलग अलग इंडिविजुअल पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, एक हर्माफ्रोडाइट नहीं है, वो मोनोशियस नहीं है। डेवलपमेंट जो इनके अंदर हो रहा है विच इज यूजुअली डायरेक्ट है, कोई लार्वल स्टेज इनके अंदर नहीं देखने को मिलेगी, लार्वा फॉर्म नहीं बनती है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर इनडायरेक्ट भी मिला है, वो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हिस्ट्री की को शो करता है। एग्जाम्पल, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है इनके कुछ एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि वॉर्म्स होते हैं, ये लोग वर्मिन है। ठीक है, एस्केरिस जिसको राउंड वॉर्म कहते हैं, वाउचेरिया फिलेरियल वॉर्म, इससे एलिफेंटाइसिस हो जाता है, फिलेरियल वॉर्म से। ओके, एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म। ओके, यहां आपके सामने है, ये एस्केरिस है। ओके, ये देखो फीमेल एस्केरिस है और ये मेल एस्केरिस है। मेल एस्केरिस छोटा होता है फीमेल एस्केरिस से, फीमेल की लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द मेल। Is this clear? दूसरा है वाउचेरिया फिलेरियल वॉर्म, आपको दिख रहा है, दिस इज द फिलेरियल वॉर्म। एंड तीसरा जो मैंने आपको दिखाया है हुक वॉर्म, दिस इज द हुक वॉर्म, ये हुक बना रहा है। ठीक है, हुक लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, तो ये हुक वॉर्म। ठीक है, इज दिस क्लियर? रिमेंबर, कैन यू रिमेंबर दिस? ठीक है, ये फिलेरियल वॉर्म है।
ये हुकुमा में ओके दिस इज द हुकुम दिस इज फिलेरियल वॉर्म एंड दिस इज द एस्केरिस मेल और फीमेल मैंने आपको दिखा दिया जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई यस ओके नेक्स्ट नेक्स्ट फाइलम फाइलम एनिलिडा एनिलिडा पे आ गए हैं वो एनिलिडा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं लैंड पर भी पाए जाते हैं जा सकते हैं जाते हैं कुछ स्पीसीज और कुछ स्पीसीज इनकी एक्वेटिक होती है ठीक है ये बिल बना के रहते हैं बुरोइंग एनिमल्स होते हैं या ट्यूब्यूकोलस होते हैं ओके दीज आर कॉमन सेल एंड पैरासिटिक इन नेचर बॉडी इनकी इलोंगेटेड होती है लंबी होती है बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है ऑलरेडी डिस्कस ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है तीनों जर्म लेयर पाए जाए और ट्रूली सिलोमेट है यानी जो जर्म लेयर है मीजोडर्म एक ट्रू बॉडी कैविटी बना रही है यानी एक ट्रू सिलोम बना रही है यहां पर सिलोम प्रेजेंट है एंड दीज आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड इंटू स्मॉल मेटामर्स बॉडी सेगमेंट्स में मिलेगी बॉडी सेगमेंट्स में मिलेगी जिनको मेटामर्स बोलते हैं ओके लोकोमोशन के लिए मूवमेंट करने के लिए इनके पास ऑर्गन अवेलेबल हैं ठीक है और वो भी सेगमेंटेड हैं ओके दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ काइटिनियस ब्रिसल्स जिनको सीटे बोलते हैं ठीक है या चीटे भी बोलते हैं और वो स्किन में ही धसे हुए रहते हैं स्किन में ही एम्बेडेड रहते हैं आई जस्ट शो यू हियर ओके लेट मी फिनिश विद दिस एक्वेटिक एनिलेट जैसे नीरिस है उसमें अनजॉइंटेड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होती है जिसको पैरापोडिया बोलते हैं जो उसको स्विमिंग करने में हेल्प करती है हमारे यहां इसको कान खजूरा कहा जाता है आपके यहां क्या कहा जाता है मुझे बता देना रीजनली इनके नेम अलग अलग हो सकते हैं ओके ओके तो सिलोम पाई जा रही है इसलिए इनको साइजोसिलस भी कहते हैं मोस्टली इनमें जो डेवलपमेंट होता है ठीक है वेल डेवलप्ड है लीचिस को छोड़कर बाकी सब कंप्लीटली डेवलप्ड है अच्छे से डेवलप्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें स्ट्रेट है और कंप्लीट है यानी माउथ और एनस दोनों पाया जा रहा है और स्ट्रेट का मतलब है एक सीधी रेखा में है कॉइल्ड नहीं है कहीं पर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है कैन यू टेल मी व्हाट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हमने इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन पे डिस्कशन किया था कैन यू टेल मी अबाउट दैट एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन क्या होता है यस टेल मी इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर ठीक है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहां होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम देखो वेल डेवलप्ड है स्ट्रेट है कंप्लीट है तो एलिमेंट्री कैनाल है इसके पास और उसी में डाइजेशन होगा जैसे हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है मगर अमीबा जैसे अमीबा का एग्जाम्पल लेना बहुत सही रहता है ठीक है उसके अंदर फूड वैक्यूल होती है तो सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है उसको इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं मगर इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है तो इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहेंगे एनी डाउट नो डाउट नेक्स्ट इसमें ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है इट इज क्लोज्ड यानी सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज्ड है जैसे हमारे अंदर प्रेजेंट है क्लोज्ड ओके रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं ठीक है इसमें हीमोग्लोबिन हो सकता है इसमें एरिथ्रोक्रियोइन होता है एरिथ्रोक्रूरोन ठीक है एरिथ्रोक्रूरोन ठीक है वो ब्लड प्लाज्मा में ही डिजॉल्व रहता है तो आरबीसी की जरूरत नहीं है ठीक है रेस्पिरेशन जो भी हो रहा है वो या तो मॉइस्ट स्किन से हो जाएगा और एक्वेटिक फॉर्म है तो दे कैन हैव द गिल्स आल्सो फॉर द रेस्पिरेशन ओके इज दिस क्लियर यहां तक कोई समस्या ओके वेरी गुड कुलदीप एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है जिसको नेफ्रिडिया बोलते हैं ये एक टर्म है जो यूज हो रही है नेफ्रिडिया इसको याद रखने की जरूरत है ठीक है हमारे पास नेफ्रॉन होता है इसमें नेफ्रिडिया होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है
जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ट्यूब कैसे, कॉइल्ड ट्यूब की फॉर्म में। ओके, नर्वस सिस्टम, इसमें एक पेयर सेरिब्रल गैंग्लिया पाया जाता है जिसको हम इसका ब्रेन कहते हैं। ओके, सेरिब्रल गैंग्लिया इज देयर एंड एक पेयर यानी दो। ओके, एंड यही नर्वस सिस्टम का काम करता है, इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ लो, कैसे भी समझ लो, पूरी बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेरिब्रल गैंग्लिया की वजह से होता है, सेरिब्रल गैंग्लिया कंट्रोल करता है। सेंसरी ऑर्गन्स में इसके पास टैक्टाइल ऑर्गन्स हैं, टेस्ट बड्स हैं, स्टेटोसिस्ट है, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, और कुछ कुछ के पास आईज भी प्रेजेंट है जिनमें विच हैव द लेंस एज वेल। ओके, ठीक है, ये हर्माफ्रोडिटिक हो सकते हैं। हर्माफ्रोडिटिक यानी, हर्माफ्रोडिटिक का क्या मतलब है, हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पर प्रेजेंट पाए जा सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यानी एक ही बॉडी पर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जा सकता है, इंडिविजुअल बॉडी पर भी अलग अलग सेपरेटली सेक्स ऑर्गन्स अवेलेबल हो सकते हैं। ओके, क्लियर? यस कुलदीप चौधरी, व्हाट इज नो? नो से समझ नहीं आया बेटा, एक्सप्लेन कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट जब तक आता है मैं आगे निकल जाता हूं उसमें, ठीक है। सो इट वुड बी बेटर तुम पूरा स्टेटमेंट लिख दोगे तो मेरे को ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है यहां पे चैट में। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अवेलेबल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। क्लीवेज होता है इनकन, इट कैन बी स्पाइरल एंड इट इज डिटर्मिनेट। जब कुछ फॉर्म्स के अंदर लार्वा पाया जाता है, और जब पाया जाता है देन दीज आर कॉल्ड ट्रोकोफोर्स, ट्रोकोफोर। ओके, इन ऑर्गेनिज्म में भी रीजनरेशन बहुत कॉमन है, अगर इनका कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाता है दे हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट, एबिलिटी टू रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट, लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करने की इनमें एबिलिटी बहुत ज्यादा कॉमन है। एग्जाम्पल्स की पास पहुंच गए हम, एग्जाम्पल नेरिस फेरिटिमा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम पता चल गया तुमको आज, फ्लूरिडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, लीच जोंक कहते हैं हमारे यहां पे, ठीक है। तो अब ये देख लो भैया इनके एग्जाम्पल, लियरा नेरिस, ये आपका अर्थवॉर्म हो गया, एंड दिस इज द लीच। ओके, इज दिस क्लियर? तो अब इसका तुम्हारे यहां कॉमन नेम क्या है, हमारे यहां कान खजूरा बोलते हैं इसको, और ये वाटर में ही पाया जाता है, वाटर में अच्छे से मूव करता है। देखो इसमें सेगमेंटेड बॉडी है, बॉडी को अगर देखोगे, चाहे अर्थवॉर्म को देख लो चाहे इसमें देख लो, सेगमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है, बॉडी सेगमेंटेड है, ठीक है, जॉइंटेड लेग्स हैं इसके पास, देखो अनजॉइंटेड लेग्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ये स्विम कर पाता है। ओके, तो हमने दोनों पढ़ लिए आज, हमने पढ़ लिया फाइलम एनिलिडा, हमने पढ़ लिया फाइलम एस्केलमेंथीस। एस्केलमेंथीस एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। बॉडी सिलेंडर की फॉर्म में है, वर्मी फॉर्म है, या वर्मी फॉर्म यानी वर्मिन है, यानी वॉर्म है, वॉर्म मतलब कीड़े। बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड है, जबकि फाइलम एनिलिडा की बॉडी सेगमेंटेड है। फ्लैट बॉडी हो सकती है, सिलेंड्रिकल बॉडी हो सकती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन पाई जा रही है, ठीक है। देन मसल कल्चरे इंक्लूड्स लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, मसल्स में लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं। बॉडी कैविटी सूडोसिलोम इज प्रेजेंट, तो यहां सूडोसिलोम मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको।
एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, माउथ और एनस दोनों पाए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स अवेलेबल है, ठीक है, और एक नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन है, स्ट्रेट है वो, बिल्कुल सीधी है, ठीक है। सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम एस्केल्वेंथीज के अंदर नहीं पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लैंड सेल्स और कैनाल्स, और दोनों अगर पाए जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम क्लोआका, ओके, कुछ स्पीसीज के अंदर देखा जाता है। नर्वस सिस्टम भी अवेलेबल है सेरिब्रल गैंग्लिया की फॉर्म में या सर्कमफेरेंजियल रिंग की फॉर्म में, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स बनाती है। मोस्टली डायोशियस है, यानी मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, मेल लेंथ में स्मॉल होते हैं, शॉर्टर होते हैं देन दी फीमेल्स, ठीक है। डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा स्टेज नहीं देखने को मिलती है, और अगर इनडायरेक्ट दिख रहा है तो वो दैट इज शोइंग अ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हिस्ट्री। एग्जाम्पल राउंड वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म, हुक वॉर्म, एस्केरिस, वाउचेरिया एंड साइक्लोस्टोमा, ओके। सो दीज यू नीड एटलीस्ट तीन, ये तीनों याद कर लेना, ज्यादा आसान रहेगा। पिक्चर भी मैंने इसके दिखा दिया आपको, एस्केरिस दिखा दिया, फिलेरियल वॉर्म दिखा दिया, दिस इज फिलेरियल वॉर्म एंड दिस इज द हुक वॉर्म, तीनों मैंने दिखा दिए हैं। हुक वॉर्म की शॉप शेप हुक जैसी हो रही है, इसलिए इसको हुक वॉर्म कहा जा रहा है। ये जो शेप दिखा रहा है, है ना, ये शेप दिखा रहा है ना हुक जैसी, तो इसी को हुक वॉर्म कह रहे हैं, ओके। देन फाइलम एनिलिडा किया हमने, फाइनल फाइलम एनिलिडा में हमने पाया कि ये लैंड पर और वाटर दोनों में पाए जा सकते हैं, टेरेस है ना, बिल बनाकर रह सकते हैं, ट्यूबिकोलस बना के रह सकते हैं, ट्यूब लाइक स्पेस बना लेते हैं। दीज आर कॉमन सेल एंड पैरासिटिक, कॉमन है और पैरासिटिक फॉर्म मिलती है, ओके। बॉडी इलोंगेटेड है, लंबाई लेंथी है ना, लंबाई में है, बायलिटरली सिमेट्रिकल है, एक ही रेडियस से इनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के तीनों जम लेयर पाई जाती है और ट्रूली सिलोमेट है, हमने एस्केल्वेंथीज में देखा था वो सूडो सिलोम पाई जाती है, फॉल्स सिलोम पाई जा रही है, इसमें सिलोम पाई जा रही है, ओके, ट्रू सिलोम पाई जा रही है। और बॉडी सेगमेंटेड है मेटामर्स के अंदर, इसलिए इनको मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहा जाता है, जो हमने अभी पिक्चर देखी थी, आई जस्ट शो यू अगेन, ओके। लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी सेगमेंटेड है, बॉडी ही सेगमेंटेड है तो मूव करने वाले ऑर्गन्स भी, जिनसे इनको लोकोमोशन मिलता है, वो भी सेगमेंटेड होते हैं, ओके, ठीक है। जो ब्रिसल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, ओके, जिनको सेटे या चेटे कहा जाता है, ये स्किन में ही एम्बेडेड रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल जैसे नेरिस होते हैं, उसमें अनजॉइंटेड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको पैराबॉडिया बोलते हैं, जो उसको स्विमिंग में हेल्प करती है। सिलोम ट्रू है एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड साइजो सिलोस। मोस्टली दीज आर वेल डेवलप्ड, लीचेस को छोड़कर बाकी सब अच्छे से डेवलपमेंट शो करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें स्ट्रेट है और कंप्लीट है, स्ट्रेट एक ही लाइन में है ना, लाइंड अप है, पैरेलली या लॉन्गिट्यूडनली कह सकते हो, कंप्लीट है, यानी माउथ और इनस पाई जाएगी। एट द एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इनस विल बी देयर, दिस इज द ओरल कैविटी, दिस इज द अनदर कैविटी विच रिमूव द अनडाइजेस्टेड वेस्ट। डाइजेशन पूरा का पूरा एक्स्ट्रा सेल्युलरली होता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो रहा है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्लोज्ड है, ठीक है, ब्लड बाथ नहीं करता है, कि भाई कैविटी नहीं है, हीमोसील नहीं पाई जा रही है, कि ब्लड की बारिश हो रही है और सारे जो टिश्यूज हैं वो वहां से ही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं डिफ्यूजन से, और वेस्ट को उसमें ब्लड में रिलीज कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पूरा एक क्लोज सर्कुलर सिस्टम है, ओके। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, या तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है या एरिथ्रोक्रूरिन पाया जा रहा है, एरिथ्रोक्रूरिन, ओके, जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही डिजोल्व रहता है। रेस्पिरेशन या तो मॉइस्ट स्किन से हो रहा होगा या गिल्स भी प्रेजेंट है कुछ फॉर्म्स के अंदर। एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको नेफ्रिडिया बोलते हैं। नेफ्रिडिया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये वाला पॉइंट, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एनिलिडा के अंदर नेफ्रिडिया की फॉर्म में पाया जाता है। नर्वस सिस्टम जो है उसमें एक पेयर सेरिब्रल गैंग्लिया है, दो सेरिब्रल गैंग्लिया पाए जा रहे हैं, जो इसके ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं। पूरा नर्वस कोऑर्डिनेशन सेरिब्रल गैंग्लिया से ही होता है। सेंसरी ऑर्गन, टेक्टाइल ऑर्गन प्रेजेंट है, टेस्ट बड प्रेजेंट है, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है, फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है, समटाइम्स
आईज आर ऑल्सो अवेलेबल विद लेंस. ओके, हर्माफ्रोडिटिक हो सकते हैं, मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे पाए जा सकते हैं और मेल और फीमेल सेपरेट बॉडी पर भी पाए जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा. क्लीवेज स्पाइरल फॉर्म में होगा एंड डिटर्मिनेट होगा. लार्वा जब भी प्रेजेंट होगा कुछ फॉर्म्स के अंदर, दैट इज नोन एज ट्रोकोफोर. रीजनरेशन बहुत कॉमन है, अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल नेरेस, फेरिटीमा, अर्थवॉर्म, फिलेरिडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच, ये तीनों मैंने आपको यहां पर दिखा दी. यहां देखो अनजॉइंटेड लेग्स भी आपको पैरापोडिया देखने के लिए मिल रहे हैं. ठीक है, पैरापोडिया देखने के लिए आपको मिल रहे हैं नीरिस के अंदर. ओके, अब अर्थवॉर्म मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, दिस इज द अर्थवॉर्म. ओके, अब बॉडी तीनों की देख लो, तीनों की बॉडी में सेगमेंट्स आपको दिखाई देंगे, बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. ओके, यस हेतल, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट. ये हमने लेक्चर कर लिया. अब कल जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लेट्स सी कितना हमने कर लिया है और कहां हमें अब जाना है. सो एनीलेडा तक हमने कर लिया, अब हम आर्थ्रोपोडा पे आएंगे. आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और उसके बाद हम आएंगे हेमी कॉर्डेट. फिर हम कॉर्डेट शुरू करेंगे, कॉर्डेट की वेरियस क्लासेस हमें देखनी है और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. कॉर्डेट की क्लासेस पढ़ने के बाद कॉर्डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ठीक है, हालांकि क्वेश्चन सीबीएसई की पूछो या नीट की पूछो, कहीं से भी कुछ भी पूछते हैं, बट जब एग्जामिनेशन की बारी आएगी, तब हम उसको और डिटेल में देखने वाले हैं. ठीक है, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट लेट मी नो. क्वेश्चंस भी मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हुए हैं ऑलरेडी. यस, 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 स्कूल रीओपन सरकार के हाथ में है. हेतल का क्वेश्चन भी मेरे को दिख रहा है. प्लेनेरिया, प्लेनेरिया बेटा प्लेटीहेलमेंथीस के अंदर आएगा. ओके, हालांकि उसमें भी रीजनरेशन की कैपेबिलिटीज हैं, बट ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि उसको एनिलिडा के अंदर रखा जाए. ओके, क्योंकि सबके अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे रखा गया. प्लेनेरिया के अंदर भी, प्लेटीहेलमेंथीस के अंदर भी रीजनरेशन की कैपेबिलिटीज देखी गई है. ओके, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे फाइलम में नहीं रखा जाता है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही जब क्लासिफिकेशन समझाया था तब बताया था. ओके, सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा. पीडीएफ 10 मिनट के अंदर टेलीग्राम में आपको मिलने वाली है. ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Bye-bye, take care.